Hi everyone, I am Rupesh Paul. First of ऑल वेलकम टू माई न्यू वीडियो. आज थोड़ा व्लॉगिंग करने का प्लान है. लेट्स सी कैसा चलता है. थोड़ा सा अजीब लग रहा है मुझे बिकॉज आज मैं पहली बार व्लॉग करने वाला हूँ अपने चैनल पे. आज की वीडियो पे मैं अपना ओनरशिप एक्सपीरियंस शेयर करने वाला हूँ रेनॉल्ट काइगर का. आई एम ओनिंग रेनॉल्ट काइगर RXL वेरियंट. उसमें थोड़ा सा मुझे इशू आया है राइट आफ्टर लाइक स्पेंडिंग आई थिंक 13 डेज आफ्टर परचेजिंग. आज मैं उसको लेके जा रहा हूँ डीलरशिप के पास. मेरी बात हो चुकी है डीलरशिप के साथ, तो मैं फ़िलहाल अभी गाड़ी लेकर जा रहा हूँ. थोड़ा सा काम निकला है उसमें एंड वॉट आर दोज माइनर थिंग्स आई विल बी टेलिंग यू थ्रू आउट द वीडियो. फिलहाल चलते हैं, थोड़ी सी व्लॉगिंग करेंगे और आपको थोड़ी सी टेक्निकलिटी बताएंगे गाड़ी के बारे में और क्या इशू है एग्जैक्टली जो मैं फेस कर रहा हूँ, और डीलरशिप का एक्सपीरियंस भी शेयर करूंगा. दिस वीडियो विल बी हेल्पफुल फॉर पीपल हु आर प्लानिंग टू बाय अ न्यू कार और जिनके पास ऑलरेडी एक कार है और हु आर लुकिंग फॉरवर्ड टू बाय रेनो काइगर. और अदरवाइज बाकी लोग जो देख रहे हैं उनको भी मज़ा आने वाला है, एक नया एक्सपीरियंस मिलेगा. लेट्स सी, मेरा फर्स्ट व्लॉग है, हाउ इट गोज, लेट्स गो बूम. हे गाइस, नाउ फाइनली आई एम इनसाइड द कार. शक्ल पूरी पसीने से लथपथ, देख सकते हो कितनी मेहनत की मैंने अंदर आने के लिए. नाउ आई विल क्विकली शो यू व्हाट इज द इशू. ओके, वन सेकेंड. नाउ आई विल शो यू कि जो मेरा रियर पार्किंग कैमरा है जो मैंने इंस्टॉल करवाया था डीलरशिप के पास से ही, उसमें मुझे लगता है थोड़ा प्रॉब्लम है विच इज़ वेरी नॉट क्लियर. आई विल शो यू रिवर्स गियर डाल के. यू सी द क्लैरिटी इज़ नॉट अप टू द मार्क एंड ये जो गाइडिंग लाइन्स है ये सॉरी ये जो गाइडिंग लाइन्स है ये ऊपर की तरफ जा रहे हैं, इसको नीचे की तरफ जाना चाहिए. सो दैट इज़ एन इशू. तो मैं आज जाऊँगा डीलरशिप के पास इसके लिए. और एक छोटा सा इशू है, आई टेल यू. रेनी सीज़न में मैंने अभी गाड़ी चलाई है, तो बहुत ज़्यादा ऐसे मड में गाड़ी चलाने से यहाँ से मड लीक होता है. और मैंने कुछ यूट्यूब वीडियोस देखे हैं जहाँ पे यहाँ से मड लीक हो रहा था विच इज़ नॉट वेरी गुड. सो मैं ये कंप्लेंट आज डीलरशिप में करूँगा. लेट्स सी व्हाट रिएक्शन दे गिव मी. I've been laid back, yeah. I don't wanna skip steps, you know that. So if you're with it, then say yeah. I just need a little bit of pain. So guys, 1 hour शोरूम के अंदर टाइम पास करने के बाद फाइनली मेरी गाड़ी अलॉट हो चुकी है एक मैकेनिक को. और ये मैकेनिक भैया अभी पीछे का बम्पर डिसमेंटल करने वाले हैं और मेरा जो कैमरा ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है उसको निकालेंगे और एक नया कैमरा इंस्टॉल करने वाले हैं. सो लेट्स सी. और मैंने एक चीज़ नोटिस करी वाइल ओपनिंग द बम्पर, वो पीछे का टेल लाइट भी ओपन करने वाले हैं. तो अब जब टेल लाइट ओपन करेंगे तो हमको पता चल जाएगा कि जो मड है वो टेल लाइट को इम्पैक्ट कर रहा है कि नहीं. लेट्स सी. ये देखो सर, तो गाड़ी मैंने खराब चलाया भी नहीं, ये हाल है. ये पूरा ऐसा इलेक्ट्रिकल तो बाद में खराब हो जाएगा ऐसा मड लगता रहेगा. तो सर से बात किया भैया, तो सर बोल रहे अभी तक फेंडर फेंडर लाइन जो है ना बना नहीं है, तो अभी कमी सुनने वाले हैं. तो आए एक बार आप एक कस्टमर आता है, एक कस्टमर ने बोल दिया तो चलो. रीजन ये सब सबके साथ है, ये आपको नोटिस कर रहा होगा कि नहीं कर रहा, वही बोला चलता है, हाँ, वैसा कुछ हाँ.
एक आधा कस्टमर बोलता है तो कुछ फॉल्ट रहे, सभी कस्टमर बोल रहे हैं। देख लीजिए, मैं आपको फिक्स करने से पहले एक बार दिखा देता हूं। कैमरा मुझे दिखा दो यार, अगर सेम कैमरा है तो फिर मेरे को नहीं चाहिए। सेम कैमरा लगा रहूंगा तो मेरे को नहीं चाहिए, फिर वो निकाल दो। उसको पोजीशन में फिट करो जहाँ पे था वो, ये ऊपर की तरफ जा रहा है, उसको नीचे होना चाहिए। मैं लेट हो गया, बारह बजे आने वाले थे बोले ना। अरे वो नहीं बोला, इशू तो देखो बोला, ये क्या मैं बाहर ऑफ रोडिंग भी नहीं किया, यह हाल है। इलेक्ट्रिकल तो पूरे खराब हो जाएंगे कुछ दिनों में। ये मैं बिल्कुल ऑफ रोडिंग नहीं किया, पूरा हाईवे पे गाड़ी चला, सिटी में गाड़ी चला। फेंडर लाइनिंग आली नहीं है, पाना ऑर्डर करना असल तो लाऊं। अरे कमिंग सून में जाए बोल लो। हे गाइस, सो द स्टेटस इज मुझे मेरे दोनों प्रॉब्लम का कोई सलूशन मिला नहीं है डीलरशिप के पास से। सो जो रियर पार्किंग कैमरा है उसकी क्वालिटी थोड़ी ख़राब है, मैंने आपको बताया, और मैंने दिखाया आपको वीडियो में दैट टेल लाइट से थोड़ा मड निकलता है, विच इज़ ऑल्सो मेजर प्रॉब्लम, विच अगर इग्नोर किया जाए तो फिर बड़ा ब्रेकडाउन हो सकता है फ्यूचर में सारे इलेक्ट्रिकल पार्ट्स के। सो फिलहाल तो मुझे कोई पक्का सोल्यूशन मिला नहीं है डीलरशिप में। मैंने मैनेजर से बात करी है, कंप्लेंट रेज करी है, और उन्होंने कहा है कि दे विल लुक इन टू दिस एंड विल लेट मी नो एक हफ्ते के अंदर क्या उसका सोल्यूशन निकल सकता है, एंड दे विल कॉल मी अगेन। तब तक के लिए आई हैव टू वेट, एंड लाइक जो भी अगर कोई काइगर ओनर अगर ये वीडियो देख रहा है तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन कि आप लोग क्या इशू फेस कर रहे हो। इट्स ओनली 13 डेज आई हैव बॉट दिस काइगर RXL। सो यहाँ इस पे मैंने स्टीरियो मैंने लगवाया था डिस्प्ले, और रियर पार्किंग कैमरा लगवाया था मैंने कुछ एक्स्ट्रा पैसे देके। सो ये मैंने मॉडिफिकेशन कराई थी डीलरशिप के पास से। सो अगर आपने भी कोई मॉडिफिकेशन कराई है तो मुझे उसके बारे में बताइए। और आज तो कुछ किया नहीं यार मैंने, बस पूरा टाइम मैंने वेस्ट कर लिया है, आज मेरा कोई काम हो नहीं पाया है। मैं पूरा टाइम निकाल लिया हूँ डीलरशिप में, अब मैं निकल रहा हूँ यहाँ से। सो जाते हुए थोड़ा सा मैं शूट करूँगा द व्यू, ज़्यादा कुछ तो है नहीं अच्छा, बट आई विल शूट। एंड फॉर दोज जिन्होंने यहाँ तक वीडियो देख लिया है उनको शायद थोड़ा सा बोर हुआ होगा, फॉर दोज पीपल जिनको कार में इंटरेस्ट नहीं है या फिर जो काइगर ओन नहीं कर रहे, बट थोड़ा सा व्लॉगिंग और कर लेंगे फ्यूचर में, और मैं और भी एक्साइटिंग वीडियोस लेके आने वाला हूँ। सो बी इन टच। सो राइट नाउ आई विल बी मूविंग फ्रॉम हियर एंड आई विल शूट अ लिटिल बिट जाते हुए। फिलहाल वीडियो यहीं पे एंड करता हूँ। थैंक यू सो मच, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो यार, इतना देख लिया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो, और लाइक भी कर दो और शेयर कर दो यार। थैंक यू सो मच, बाय गाइस, बाय। Thank you.